कोलकाता रेप मर्डर केस से सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरजीकर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा हो रहा है। वारदात की रात 11 बजे अस्पताल गया था संजय। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, 30 मिनट बाद संजय अस्पताल से बाहर चला जाता है। संजय सुबह 3:45 पर दोबारा से अस्पताल में दाखिल होता है। सुबह 3:45 पर सेमिनार रूम में भी जाता दिख रहा है संजय, और हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये खुलासा, ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में बेहद निर्णायक हो सकता है। करीब एक घंटे बाद सेमिनार रूम से बाहर आता हुआ संजय एक बार फिर से कैमरे में कैद होता है, और ये सारी गतिविधियां इस पूरे मामले को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और संदिग्ध बना देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में संजय की भूमिका क्या है। क्योंकि जिस तरीके से ये टाइमलाइन पूरी तैयार हुई है, जिस तरीके से वो बार बार सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से संवाददाता रोमान अल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए। रोमान, इस पूरे मामले में ये सीसीटीवी फुटेज बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, संजय घोष की भूमिका इस पूरे मामले में अब किस तरीके से देखी जा रही है और इसका आधार क्या है? देखिए, बिल्कुल संजय राय से पूछताछ की जा रही है, और सीसीटीवी में संजय राय सीधे तौर पर नजर आया 11 बजे सुबह से लेकर 4:37 तक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाती है कि संजय राय का मोमेंट अस्पताल, उसके आसपास और सेमिनार हॉल में था। 3:45 पर वो लास्ट में सेमिनार हॉल जाता हुआ दिखाई दिया है, और फिर सुबह 4:37 पर वो सेमिनार हॉल से निकल गया है, और यही वो समय था जब पीड़िता के साथ रेप करके हत्या कर दी गई थी। इसी आधार पर संजय राय को गिरफ्तार भी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा संजय राय की कॉल डिटेल्स हैं, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। संजय राय बेसिकली सिविल वॉलंटियर था, जो कि पश्चिम कोलकाता पुलिस में 2019 में भर्ती हुआ था। 12,000 रुपये उसे तनख्वाह मिला करती थी, और वो लेकिन पुलिस की कर्मी की तरह ही रहता था, उसी की तरह वर्दी वगैरह पहनता था, टोपी पहनता था, बैज लगाता था। अपनी गाड़ी पर भी उसने कोलकाता पुलिस लिख रखा था। किस कंडीशन में वो यहाँ पर अस्पताल में घूम रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक मरीज को उसने यहाँ पर एडमिट कराया था, उससे मिलने के लिए वो पहली बार उस दिन अस्पताल के अंदर गया था। कौन वो मरीज था, इसके बारे में भी जांच की जा रही है, और क्या लिंक था संजय राय का पीड़िता के साथ इससे पहले, क्या किसी तरह की कोई बातचीत, कोई दुश्मनी थी, ये भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे सीबीआई 2 बार पूछताछ कर चुकी है, और आज भी एक बार ऐसा बताया जा रहा है कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और थोड़े समय के बाद सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 3D मैपिंग मशीन लेकर आएगी, ताकि इस पूरे जो इलाका है, जो पूरा जो कमरा है, क्राइम सीन है, उसकी 3D मैपिंग भी की जा सके। ठीक है, लौटूंगी रोमान आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा हो रहा है। वारदात की रात 11 बजे अस्पताल गया था संजय। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, 30 मिनट बाद संजय अस्पताल से बाहर चला जाता है। संजय सुबह 3:45 पर दोबारा से अस्पताल में दाखिल होता है। सुबह 3:45 पर सेमिनार रूम में भी जाता दिख रहा है संजय, और हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये खुलासा, ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में बेहद निर्णायक हो सकता है। करीब एक घंटे बाद सेमिनार रूम से बाहर आता हुआ संजय एक बार फिर से कैमरे में कैद होता है, और ये सारी गतिविधियां इस पूरे मामले को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और संदिग्ध बना देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में संजय की भूमिका क्या है। क्योंकि जिस तरीके से ये टाइमलाइन पूरी तैयार हुई है, जिस तरीके से वो बार बार सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से संवाददाता रोमान अल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए। रोमान, इस पूरे मामले में ये सीसीटीवी फुटेज बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, संजय घोष की भूमिका इस पूरे मामले में अब किस तरीके से देखी जा रही है और इसका आधार क्या है? देखिए, बिल्कुल संजय राय से पूछताछ की जा रही है, और सीसीटीवी में संजय राय सीधे तौर पर नजर आया 11 बजे सुबह से लेकर 4:37 तक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाती है कि संजय राय का मोमेंट अस्पताल, उसके आसपास और सेमिनार हॉल में था। 3:45 पर वो लास्ट में सेमिनार हॉल जाता हुआ दिखाई दिया है, और फिर सुबह 4:37 पर वो सेमिनार हॉल से निकल गया है, और यही वो समय था जब पीड़िता के साथ रेप करके हत्या कर दी गई थी। इसी आधार पर संजय राय को गिरफ्तार भी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा संजय राय की कॉल डिटेल्स हैं, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। संजय राय बेसिकली सिविल वॉलंटियर था, जो कि पश्चिम कोलकाता पुलिस में
2019 में भर्ती हुआ था, 12,000 रुपये उसे तनख्वाह मिला करती थी और वो लेकिन पुलिस की कर्मी की तरह ही रहता था, उसी की तरह वर्दी वगैरह पहनता था, टोपी पहनता था, बैज लगाता था, अपनी गाड़ी पर भी उसने कोलकाता पुलिस लिख रखा था। किस कंडीशन में वो यहाँ पर अस्पताल में घूम रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक मरीज को उसने यहाँ पर एडमिट कराया था, उससे मिलने के लिए वो पहली बार उस दिन अस्पताल के अंदर गया था। कौन वो मरीज था, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। और क्या लिंक था संजय राय का पीड़िता के साथ इससे पहले, क्या किसी तरह की कोई बातचीत, कोई दुश्मनी थी, ये भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे CBI 2 बार पूछताछ कर चुकी है और आज भी एक बार ऐसा बताया जा रहा है कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और थोड़े समय के बाद CBI की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 3D मैपिंग मशीन लेकर आएगी ताकि इस पूरे जो इलाका है, जो पूरा जो कमरा है, क्राइम सीन है, उसकी 3D